हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक इन दी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। ये सेटअप कैसा लग रहा है मुझे बताना। मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं, ये कैंडल जो लैम्प है उसको मैंने ऐड किया है, ये ट्री भी है जो दिख नहीं रहा है मैं आपको, अगर कैसे दिखा हुआ अभी बहुत दूर है, जाने दो। बहुत कुछ मैंने ऐड किया है, तो थोड़े चेंजेस किए, ज़्यादा नहीं। तो कैसा लगा मुझे बताना, प्लेजेंट लग रहा है देखने में या नहीं वो बताना। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, ये जून मंथ की रीडिंग हम कर रहे हैं कि जून मंथ आपके लिए कैसा रहेगा फॉर योर लव लाइफ। हम स्पेसिफिकली आपकी लव लाइफ की रीडिंग कर रहे हैं, इसमें कोई जनरल गाइडेंस नहीं होगी। ये आपके सिर्फ अगर मुझे लगा कि मुझे जनरल गाइडेंस बतानी चाहिए, कुछ आ रहा है निकल के, तो हम देख लेंगे। लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा आपके लव लाइफ पे ही रहेगा। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस मंथ में, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो हम देखने वाले हैं। सो, यहाँ पे आपको दो ग्रुप्स दिख रहे हैं, ग्रुप नंबर वन, ग्रुप नंबर टू। ग्रुप नंबर वन में कुछ अल्फ़ाबेट्स है जो कि है AFQUNLDSYJBHW, और ग्रुप नंबर टू में है ROCIVEMTXZKGP। तो ग्रुप नंबर वन और ग्रुप नंबर टू, जहाँ पे आपके नाम का पहला अक्षर आता है उस ग्रुप की आप रीडिंग देखेगा, ठीक है। तो आपको अपनी गाइडेंस मिल जाएगी। चलिए देखते हैं फॉर ग्रुप नंबर वन कि आपके लिए ये जो जून मंथ है वो कैसा रहेगा। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। चलिए कार्ड्स निकाल लेते हैं और फिर बात करेंगे। तो अगर आपको ये पार्ट नहीं देखना है तो आप फॉरवर्ड कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको नहीं देखना है तो। लेट्स सी, डिवाइन हमें प्लीज़ बताए कि ये जून मंथ ग्रुप नंबर वन के लिए कैसा रहेगा फॉर देयर लव लाइफ। ग्रुप वन के लिए ये जून मंथ कैसा रहेगा, ग्रुप वन के लिए जून मंथ कैसा रहेगा फॉर देयर रिलेशनशिप, फॉर देयर लव लाइफ। बहुत हैवी कार्ड्स है इसलिए वो शफल होते होते गिर जा रहे हैं बार बार। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है इन्फ्लुएंस का, ठीक है। कार्ड्स जो निकल के आए हैं वो है स्प्लिटिंग अपार्ट, डिसिप्लिन, joyous, the standstill, okay, let's see more, group number one के लिए divine हमें please clear message देकर बताए कि उनकी love life कैसी रहेगी। group number one के लिए please divine बताए कि उनकी love life कैसी रहेगी, what can they expect, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इमोशनल लेवल पे क्या कुछ होने वाला है, प्लीज़ क्लियर मैसेज देकर बताएं। ओके, कार्ड्स निकल के नहीं आ रहे तो वी कांट फोर्स। विजडम इन प्ले बॉटम ऑफ द डेक है, और जो कार्ड एक निकल के आया है वो है मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। थोड़ा सा लेट्स सी योर जनरल मैसेजेस, जनरल लाइफ, आपके जनरल लाइफ के लिए ग्रुप नंबर वन डिवाइन हमें प्लीज बताए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे यू नीड टू टेक रेस्ट। और जो कार्ड्स निकल के आए हैं, दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, इन्वॉल्व्स हैवी एनर्जी ऑफ समथिंग और समवन एल्स, यू नीड टू गेट अ हेल्थ चेकअप। यहाँ पे है यू नीड टू गो आउट ऑन अ ट्रिप और वेकेशन, दिस इज़ अ कार्मिक कनेक्शन,
और यहाँ पे लास्ट कार्ड जो है वो है समवन इज़ नॉस्टैल्जिक अबाउट यू. ओके, और जो एडवाइस है हमारे लिए इस मंथ की वो क्या है, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइडेंस दीजिए फॉर ग्रुप नंबर वन फॉर द मंथ ऑफ जून. क्या गाइडेंस है फॉर ग्रुप नंबर टू, सॉरी ग्रुप नंबर वन. डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दे, क्या एडवाइस है, क्या जानना ज़रूरी है अबाउट दिस कनेक्शन और जनरली वॉट एवर. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज. और जो दो का तीन कार्ड्स जो निकल के आए हैं वो है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी और द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम. ओके, सो वाओ कार्ड्स तो निकल के आए हैं हमारे लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग फॉर ग्रुप नंबर वन. ओके, मैं क्लैरिफाई करूँगी इफ़ नीड बी, अगर मुझे लगता है कहीं पे क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है. ओके, ग्रुप नंबर वन, मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट्स हैपनिंग इज इस मंथ में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि मुझे किसी चीज़ से मुझे दूर होने की ज़रूरत है, ठीक है, या इस रिश्ते से मुझे दूर होने की ज़रूरत है. किसी किसी का यहाँ पे लिटरली सेपरेशन भी हो सकता है. आप किसी से कॉन्शियसली खुद डिसीजन लेके दूर भी जा सकते हो, ठीक है. सो दिस इज़ द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग. व्हाई इज़ दिस एनर्जी कमिंग इन, ये पहला कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, क्या दर्शा रहा है. ओके, यस, मुझे यहाँ पे काफ़ी लोग मूव ऑन करने का डिसीजन लेकर मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं फ्रॉम अ रिलेशनशिप दैट इज़ नो लॉन्गर सर्विंग यू. हो सकता है कि उस रिलेशनशिप में कुछ रहा नहीं है, हो सकता है कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे यू नॉट गेनिंग एनीथिंग, आपको कुछ मिल नहीं रहा है, चीज़ें स्टक है, स्टेगनेंट हो गई है, रुक सी गई है, ख़त्म हो गई है. तो काफ़ी चीज़ें जो आपकी लाइफ में आपको लगता है कि ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, इट इज़ नॉट सर्विंग मी, या ये मेरे लिए किसी फ़ायदे का नहीं है, यू विल बी कटिंग दैट ऑफ एंड मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ. चाहे वो कोई सिचुएशन हो या चाहे वो कोई रिश्ता हो, मुझे अपने आप को किसी से दूर करते हुए दिख रहे हो कॉन्शियसली, और कोई डिसीजन लेकर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, और बहुत ही स्पीड के साथ मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो. कैंसर एनर्जी है यहाँ पे. मुझे ये भी लगता है यहाँ पे कि आप ना, अब देखिए, आप मुझे लगता है वैसे काफ़ी इमोशनल हो, काफ़ी सेंसिटिव हो. अगर आप प्यार करते हो तो पूरे दिल से करते हो, आप रिश्ते निभाते हो तो पूरे दिल से निभाते हो. एंड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ ऐसा है आपके लाइफ में, या किसी ऐसे के लिए आपके मन में, किसी पर्सन के लिए आपके मन में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है. आप उन्हें हमेशा मिस करते हो, आप उनके लिए बहुत सेंसिटिव हो, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि अभी ये मेरे लिए, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, या ये मेरे लिए सही नहीं है, आई नीड टू कट इट ऑफ. ऐसी एनर्जी में मुझे बहुत स्ट्रांगली आप दिख रहे हो कि ये मुझे नहीं चाहिए, या मुझे बहुत इमोशनल नहीं होना है, मुझे प्रैक्टिकल रहना है, मुझे दिमाग से काम लेना है, मुझे दिल से काम नहीं लेना है. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप बहुत सेंसिटिव हो, आप बहुत इमोशनल हो, आप बहुत प्यार करते हो, और आप प्यार देने और लेने में बिलीव करते हो. यू आर समवन जो प्यार में बहुत भरोसा रखते हो, प्यार देने में बहुत भरोसा रखते हो. एंड इट्स लाइक मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे आप अपने इमोशंस को इस महीने में बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करोगे. अपने आप को कहीं और डाइवर्ट करना, अपने काम में डाइवर्ट करना, अपने आप को, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा फिक्स्ड माइंडसेट में जियोगे इस मंथ में, ठीक है. यू विल बी लाइक, नहीं मुझे ये सोचना है और ये नहीं सोचना है, ये करना है और ये नहीं करना है. सो इस टाइप की एनर्जी मुझे आपकी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, ठीक है. आप अपने आप को किसी काम में बिजी कर लोगे, या कहीं अपना मन डाइवर्ट कर लोगे, कहीं अपना मन लगा लोगे. सो दैट इज़ वॉट योर एनर्जी इज़ ऑल अबाउट, ठीक है. द जॉयस की एनर्जी क्यों है. ओके, देखिए, आप इस मंथ में बहुत ही खुलकर जीना चाह रहे हो. आप वो करना चाहोगे जो आपको पसंद है, किसी बर्डन के नीचे आप दबना नहीं चाहते हो. यू वॉन्ट टू डू थिंग्स, यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर थिंग्स. आप बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ को इन्जॉय करना इस मंथ में चाहोगे. यू विल वॉन्ट के मैं अब खुल कर अपनी लाइफ जीऊँ. मे बी काफ़ी टाइम से आप अपनी लाइफ को बहुत ही एक
जकड़ के एक यू नो एक जैसे स्टक एनर्जी होती है ना, किसी ने ट्रैप करके रखा है, जी नहीं पा रहे हो अपनी लाइफ. काफ़ी टाइम से आप वैसी लाइफ जी रहे थे, लेकिन नाउ मुझे आपकी एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि भाई मुझे खुल के जीना है, मुझे आज़ाद होना है, मुझे किसी चीज़ में अटका हुआ नहीं रखना है अपने आप को, एंड मुझे हैप्पी रहना है, मुझे जो दिल में आ रहा है वो एक्सप्रेस करना है. आप कुछ दोस्तियाँ कर सकते हो नहीं, या आपके पास कोई नई दोस्तियों के ऑफर्स आ सकते हैं. सो इस मंथ में आपका मंत्रा ये रहेगा कि भाई खुल के जीना है, खुशी से जीना है, ठीक है. ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड निकल के आया है 7 of Swords. देखिए मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली देर इज़ समवन इन योर लाइफ जिन्होंने आपको चीट किया है, या जिन्होंने आपको धोखा दिया है किसी तरह से, या आपको आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है. सो देर इज़ समवन इन योर लाइफ जो आपके लाइफ में अनट्रस्टवर्दी है, जो ट्रस्टवर्दी नहीं है, एंड आप इस पर्सन को पहचान जाओगे और इस पर्सन को अपनी लाइफ से निकाल दोगे, क्योंकि ये पर्सन इज़ नॉट सर्विंग यू. ये पर्सन आपके लाइफ में कुछ भी बेटर नहीं ला रहा है, ये पर्सन आपके लाइफ को बेटर नहीं कर रहा है, ये आपके लाइफ में एक जैसे स्टेलमेट्स होते हैं ना, जो आ भी नहीं रहे हैं, जा भी नहीं रहे हैं, सच भी नहीं कह रहे हैं. सो समवन इन योर लाइफ इज़ लाइक दैट, जो आप चाहते हो कि इंसान, ये बंदा मेरी लाइफ से बस चला जाए और चीज़ें ख़त्म हो जाए, ठीक है. यू आर सो फेड अप ऑफ समथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ. ओके, सो जून में फाइनली आप मुझे किसी रिश्ते को एंड करते हुए दिख रहे हो, किसी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए हटाते हुए दिख रहे हो विच इज़ नो लॉन्गर सर्विंग यू, ठीक है. और ये काफ़ी पुराना रिश्ता है, इट इज़ समवन जो पहले ख़त्म हो जानी चाहिए थी चीज़ें, लेकिन फिर भी आपने ख़त्म नहीं करी किसी वजह से. मे बी आप को डिपेंडेंट हो गए थे. सॉरी गाइज मुझे कॉल आ गया था. सो वाई इज़ दिस इन्फ्लुएंस हियर, यहाँ पे ये इन्फ्लुएंस क्यों है. गाइज आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है. प्लीज़ लाइक करो गाइज, आपके लिए इतने मेहनत से बना रही हो तो प्लीज़ एक लाइक तो डिज़र्व करती हो, राइट. ओके, यहाँ पे जो कार्ड निकल के आया है, दो व्हील है यहाँ पे. देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि देर इज़ समवन इन योर लाइफ ना, जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आप उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. मुझे ये कोई पास्ट एनर्जी लग रही है, ये कोई नई एनर्जी नहीं है. और हो भी सकती है इन सम केसेस, अगर आप चाह रहे हो, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी नए पर्सन को, लेकिन मेजरली मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ समवन जिनके साथ आप एक बहुत ही सीरियस कमिटमेंट में आ सकते हो इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है. और यहाँ पे प्यार म्यूचुअल होगा, यहाँ पे जो फीलिंग्स है वो म्यूचुअल होंगी, सब कुछ बहुत म्यूचुअल होने वाला है यहाँ पे, ठीक है. सो या विच इज़ वेरी गुड थिंग. कुछ लोग यहाँ पे किसी के साथ एक कोर्टशिप में भी जा सकते हैं. इफ़ यू डोंट नो अबाउट कोर्टशिप, आप गूगल कर सकते हो, ठीक है. लेकिन ये जो भी कनेक्शन बन रहा है आपका, वो बहुत स्टेबल होगा, बहुत ही सॉलिड होगा और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होगा, ठीक है. वाई इज़ दिस मेटामॉर्फोसिस हियर, ये मेटामॉर्फोसिस क्यों है इन योर एनर्जी. वाओ, आप अपने आप से जुड़ रहे हो, आप अपनी पावर में आ रहे हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप बहुत वाइज हो, आपको बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेज है, एंड आई लिटरली सी यू कमिंग इन योर पावर. आप इस मंथ पे बहुत ज़्यादा चेंज्ड फील करोगे, मेंटल लेवल पे क्लैरिटी बहुत आएगी, आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो जब आप ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से हटा देते हो ना, विद दोज़ हु आर नो लॉन्गर सर्विंग यू, तो आप अपने आप ही बहुत एम्पावर्ड हो जाते हो, आप अपने आप ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हो, ठीक है. आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तो वही मुझे होता हुआ दिख रहा है. आपकी इंट्यूशन लेवल मुझे इंक्रीज़ होते हुए दिख रही है, आप काफ़ी मेंटली स्ट्रांग होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. ओके, व्हाई इज़ दिस विजडम इन प्ले, 5 of Cups. यस, आई टोल्ड यू कि देखिए कुछ लोग ना रिश्ते में इसलिए रहते हैं गलत लोगों के साथ, क्योंकि उनको अकेलापन नहीं फील करना होता है, ठीक है. उनको लगता है मैं अकेला पड़ जाऊँगा, कुछ लोग डरते हैं अकेलेपन से, लेकिन मुझे लगता है अकेलापन ना एक पावर है जो आपको दी जाती है, टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ. तो यस, आपको मैनी अ टाइम्स अगर आप सिंगल रहोगे इस मंथ में, तो आपको ऐसा फील हो सकता है, आई एम मिसिंग समवन, आई वॉन्ट समवन इन माई लाइफ. लेकिन आपको यही बोला जा रहा है कि एक्सपीरियंस भी तो गेन किया है ना आपने, बहुत कुछ सीखा भी है आपने इन दिस कनेक्ट, लाइक जो भी कनेक्शन से आप निकले हो, यू हैव
यू नो यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ विजडम फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस, तो उसको यूज़ करो. अकेलापन आपको बहुत बार महसूस हो सकता है इफ़ यू चूज़ टू बी सिंगल इस मंथ में, कि नहीं मुझे अकेला रहना है. तो ये अकेलापन आपको थोड़ा सा सता भी सकता है, बट आई वुड से कि यूज़ इट फॉर योर ओन प्रॉफिट, यूज़ इट फॉर योर ओन बेनिफिट. अकेलेपन पे गौर मत करो, इस पे गौर करो कि आपने क्या सीखा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कनेक्शन और समथिंग दैट वॉज नो लॉन्गर सर्विंग यू. ठीक है, बोझ था ना वो अपने आप के लिए, आपने हटा दिया, राइट? ओके, व्हाट इज दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन हियर? देखिए, आपके केस में यहाँ पे जो लोग आज की रीडिंग देख रहे हैं, देयर इज डेफिनेटली अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. यस, डेफिनेटली. एंड आई थिंक ये एक नहीं है, ये काफ़ी सारी है. ठीक है, सो समवन यू वर डीलिंग विद हैड अ लॉट ऑफ थर्ड पार्टीज. ठीक है, ये आपको यहाँ पे एकदम क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैसेज पढ़ो, दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, इन्वॉल्व्स हैवी एनर्जी ऑफ समथिंग और समथिंग एल्स. हो सकता है कि जिससे आपके पार्टनर डील कर रहे हैं, लाइक द थर्ड पार्टी, उनका कुछ फैमिली इशूज़ चल रहा हो, या घर पे पता चल गया हो, या बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत हैवी कर्मा है यहाँ पे. ठीक है, सो अगर आपने किसी को इसलिए छोड़ा क्योंकि उनके लाइफ में कोई और है, तो प्लीज़ बी थैंकफुल, क्योंकि आपको स्ट्रेस होता अगर आप अभी उनके साथ होते ना, तो आपके दिमाग को स्ट्रेस होता. ठीक है, बेफिजूल का. इट्स लाइक किसी और का दुख हमारे सिर पे हम मत्थे मार ले रहे हैं, क्योंकि जिस भी थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर थे या है, इट इज़ सो 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 टॉक्सिक, इट इज़ टू मच. ठीक है, ये क्यों आ रहा है मैसेज निकल के, हेल्थ चेकअप वाला? ओके, द टावर. गाइज, यू नीड टू हेल्थ चेकअप आपको करना है. ठीक है, इस मंथ में प्रायोरिटी बना लीजिए कि मुझे अपना हेल्थ चेकअप कराना है, क्योंकि समथिंग रियली बैड कैन हैपन अगर आप अपनी हेल्थ को अवॉइड करते हो तो. ठीक है, स्पेशली अगर आपको कुछ सिम्टम्स मिल रहे हैं किसी भी तरह के काफ़ी टाइम से, तो उसको इग्नोर मत करो, वरना इट कैन एंड रियली बैड. क्योंकि हेल्थ है तो, मतलब बोलते हैं ना कि जान है तो जहान है. सो टावर मोमेंट, टावर तक चीज़ें ना जाए, एक टावर एनर्जी में चीज़ें ना पहुँचे. सब कुछ आपने जो कमाया है 2 मिनट में आप गवा दोगे, सो बेटर बी श्योर. ठीक है, आप अपना हेल्थ चेकअप करवाओ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इस ब्रेकअप के वजह से, या ये जो भी चीज़ है थर्ड पार्टी या किसी को छोड़ देना, इसके वजह से ऐसा भी हो सकता है कि यू माइट मेंटली आपको टू मच हो जाए, तो वो भी चेक कराओ. ठीक है, यू नीड टू गो ऑन अ ट्रिप और वेकेशन. ओके, सी, यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम विथ पीपल दैट लव यू, पीपल जो आपकी सच में केयर करते हैं, या फिर आप अकेले सोलो ट्रिप पे भी जा सकते हो, बट आपको वेकेशन की इस मंथ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है. या ऐसी सिचुएशंस आ सकती है जहाँ पे आपको वेकेशन पे जाना पड़े, या ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे यू माइट गो ऑन अ वेकेशन. ठीक है, लेकिन येस, आई कैन सी दैट हैपनिंग. स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, और स्पेंड टाइम विद समवन दैट जेन्युइनली लाइक्स यू, लव्स यू, वो आपके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है. ठीक है, इस मंथ में आपके लिए बहुत ज़रूरी है. और वाई इज़ दिस कमिंग यू, दिस इज़ अ कार्मिक कनेक्शन. ओके, अगर ये देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, जो किसी और के साथ है, तो दिस इज़ अ कार्मिक कनेक्शन, ये आपको यहाँ पे क्लियरली बोला जा रहा है. और कार्मिक कनेक्शन एक टॉक्सिसिटी लाती है आपके लाइफ में, तो उसको ख़त्म कर देना. क्योंकि जितना आप कार्मिक कनेक्शन में रहोगे, उतना ज़्यादा कर्मा बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो लोग हमें ट्रिगर करते रहते हैं और फिर हम और ज़्यादा बुरा बनते जाते हैं. सो इट्स बेटर टू कट योरसेल्फ ऑफ एनी कार्मिक कनेक्शंस दैट यू हैव. ठीक है, समवन इज़ नॉस्टैल्जिक अबाउट यू. यस, कोई है यहाँ पे जो आपको बहुत एडमायर करता है, बहुत वैल्यू करता है, आपके बारे में बहुत सोचता है. इस मंथ में समवन इज़ गोइंग टू मिस यू लाइक क्रेजी. ठीक है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा कोई आपको यहाँ पे मिस करने वाला है. दिल बी लाइक, डैम मैंने उसको खो दिया, डैम मुझे उसको पाना है, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, यू नीड टू टेक रेस्ट, क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे? यस, स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, अपने आप को प्यार दो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, ताकि आप शाइन करो, ताकि आपकी स्किन बेटर लगे, आप बेटर दिखो. वेट. ओके, सो आपको अगर अपनी पावर में आना है, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को वक्त देना पड़ेगा. आप मे बी, अगर आपको ना कहीं भी ऐसा लगे कि आप पावरफुल फील नहीं कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, या आपको अब लग रहा है कि आपकी शाइन कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं टेक रेस्ट, टेक अ स्टेप बैक. थोड़ा सा रेस्ट एंड रीजेनुएशन बहुत ज़रूरी है इस मंथ में आपके लिए. अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है?
देखिए, अगर आपने स्पेशली अगर हम इस रिश्ते की बात करें तो आपको ये बोला जा रहा है कि जीत आपकी ही होने वाली है, आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलने वाला है. यू जस्ट नीड टू, आपको बस थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है. आप रिस्क लो, एक्शन लो, चुप चुप मत बैठो. यू नो, एक एक यू नो, डोंट गो डीप, खो मत जाओ. यू नो, जो भी आपको लगता है करो इन द रिलेशनशिप, आपको उसमें डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी. द डेविल, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो. अब एक इमोशनल और प्रैक्टिकल एक जो डिलेमा बन जाता है कि हम बैलेंस नहीं बना पाते, आपको यही बोला जा रहा है कि बैलेंस बनाओ. बैलेंस होना इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड में बहुत ज़रूरी है, वरना हम टॉक्सिक लोगों को, टॉक्सिक सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं. या तो आप इस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हो, या तो यू नो, या तो आप ओवर ऑब्सेस हो रहे हो ओवर दिस पर्सन, या तो आप ओवरली हर चीज़ आप ओवर जाके कर रहे हो फॉर दिस पर्सन इन दिस कनेक्शन. डोंट डू दैट. बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? चीज़ें टॉक्सिक हो जाएगी वरना. व्हाई इज दिस एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम हियर? ओके, तो यहाँ पे है टेन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी. यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि डोंट वरी, आपका जो कनेक्शन है, जो आपको इस वक्त जो ऐसा लग रहा है आपको कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही बर्डनसम है, आपको मन कर रहा है कि मैं बस इससे दूर चली जाऊँ, या मैं अकेला रहना चाहता हूँ, अकेली रहनी चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ, व्हाटएवर. डोंट डू दैट, क्योंकि जहाँ पे आपको लगता है ना कि चीज़ें ख़त्म हो रही है, वहाँ से ही चीज़ें शुरू होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? सो वेट फॉर द राइट टाइम और एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज. ये कौन सा पावरफुल चेंज है? डिवाइन हमें बताए. हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, ठीक है? आपके लव लाइफ में खुशी आ रही है, लाइट आ रहा है, होप आ रहा है, तो एक्सपेक्ट करो कि हाँ, आपको भी खुशियाँ, आप भी खुशियाँ डिज़र्व करते हो और आपको भी खुशियाँ मिलेंगी. सो दैट इज़ वॉट यू नीड टू एक्सपेक्ट आउट ऑफ योर कनेक्शन, ठीक है? सो दैट वॉज इट फॉर ग्रुप नंबर वन. आपका जो जून मंथ है वो ऐसा रहेगा. मैंने सारी डिटेल्स आपको बता दी है कि कैसा रहेगा. अगर रीडिंग आपको लगती है कि हाँ, क्लेम करना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और मिलते हैं अगली वीडियो में. और आई होप, आई विश, आई प्रे कि आपका जून मंथ बहुत ही अच्छा जाए. सो टेक केयर. ऐसा रहेगा. व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर लव लाइफ जून मंथ में? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? वीडियो को लाइक ज़रूर करना. एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन एक लाइक करने से मुझे बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है? सो लाइक ज़रूर करना. चलिए देखते हैं कि ये जून मंथ आपके लिए कैसा रहेगा. फॉर योर लव लाइफ स्पेसिफिकली, हाउ इज़ दिस जून मंथ गोइंग टू बी फॉर यू? हाउ इज़ दिस जून मंथ गोइंग टू बी फॉर यू? कैसा रहेगा जून मंथ आपके लिए? ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है डेवलपमेंट. वाओ, और जो कार्ड्स निकल के आए हैं, पहला है यहाँ पे ग्रेस, ग्रेट पावर, और यहाँ पे है ड्यूरेशन. व्हाट मोर डू वी हैव फॉर यू? डिवाइन हमें प्लीज़ बताए कि ग्रुप नंबर टू के लिए कैसा रहेगा जून मंथ. जून मंथ कैसा रहेगा फॉर ग्रुप नंबर टू? कैसा रहेगा जून मंथ फॉर देयर लव लाइफ? जून मंथ कैसा रहेगा? ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे जो है वो है अकाउंटेबिलिटी, और जो कार्ड्स निकल के आए हैं वो है इंटेंशन, स्ट्रेंथ ऑफ वल्नरेबिलिटी, और जो लास्ट है वो है एम्प्टी रो के. लेट्स सी कि आपके जनरल लाइफ के लिए क्या एडवाइस दी जा रही है यहाँ पे. व्हाट एडवाइस और व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर योर जनरल लाइफ, योर ओवरऑल लाइफ, योर ओवरऑल लाइफ? व्हाट डू वी हैव? व्हाट मैसेजेस? व्हाट डू वी हैव? व्हाट वी नीड टू नो फॉर ग्रुप नंबर टू? डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए
फॉर ग्रुप नंबर टू, प्लीज़ हमें क्लियर मैसेजेस दीजिए फॉर ग्रुप नंबर टू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है, यू नीड टू फोकस ऑन योर करियर राइट नाउ, एंड बाकी जो कार्ड्स निकल के आए हैं वो है, द वेरी फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ यू विल फाइंड न्यू लव, यू नीड टू टेक आउट सम टाइम फॉर सेल्फ केयर, गॉड हैज़ नोटिस्ड यू एंड ही इज़ विथ यू, यू नीड टू एक्सरसाइज एंड हेल्प योर वेट इन चेक, यू विल फाइंड सक्सेस इन योर लाइफ अहेड एंड अकम्पलिश योर ड्रीम्स, यू नीड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, और यहाँ पे जो लास्ट कार्ड है वो यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके, चलो लेट्स सी द लास्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग विच इज़ द गाइडेंस पार्ट। वॉट गाइडेंस डू वी हैव फॉर ग्रुप नंबर वन, सॉरी ग्रुप नंबर टू। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं कि ग्रुप नंबर टू के लिए, इस मंथ जून मंथ के लिए क्या गाइडेंस है, क्या जानना, मैसेजेस दीजिए प्लीज़, ज़रूरी क्या है उनके लिए जानना। वॉट मैसेजेस डू वी हैव फॉर ग्रुप नंबर टू, वॉट मैसेजेस डू वी हैव, डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए। ओके, सो मैनी मैसेजेस, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। ओके, सो यहाँ पे इमोशंस आर रनिंग हाई, ये सबसे पहला कार्ड निकल के आया है। फिर है यहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ द की। फिर यहाँ पे है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, ग्रुप नंबर टू, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप ना यू नो एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ इनफ। ठीक है, आपको या तो ये प्रॉब्लम ही है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, या तो कुछ सिचुएशंस ही ऐसी है जहाँ पे यू फील के एक्सप्रेस ना करना ही बेहतर है। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स डीप डाइव डीप इनटू द रीडिंग। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में, जून मंथ में, आपको थोड़ा सा ना हर एक्शन जो है ना आपकी, जो भी आप कर रहे हो, मैं सिर्फ रिश्ते की ही बात नहीं कर रही हूँ, एनीथिंग दैट यू डू, चाहे आपका आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी फ्रेंडशिप्स हो, आपके रिश्ते हो, आपका करियर हो, थोड़ा सा एक उसमें ग्रेस लाने की ज़रूरत है। आप हर चीज़ को बहुत हार्शली कर रहे हो, बहुत इम्पल्सिव होके कर रहे हो, देर इज़ नो ग्रेस इन एनीथिंग। सो यू आर टोल्ड के हर चीज़ को थोड़ा सा ग्रेसफुली करना सीखना है आपको, हर चीज़ को थोड़ा सा ग्रेसफुली करना ज़रूरी है इस मंथ में। कोई रिश्ता है उसे बड़ी ही हम्बली, बड़ी प्यार से संभालो, अपने आप को अपने पार्टनर के सामने बहुत अच्छे से प्रेजेंट करो। सो देयर नीड्स टू बी अ लॉट ऑफ पॉइज होना चाहिए आपके हर एक्शन में, चाहे जो भी कर रहे हो आप, क्योंकि हम स्पेसिफिकली ज़्यादा फोकस आपके लव लाइफ पे कर रहे हैं। आप कैसे बात कर रहे हो, आप कैसे खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, आप कैसे डील कर रहे हो विद द वन यू लव, बहुत ज़रूरी है। यस, मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप ना कहीं बहुत गलत तरीके से एक्सप्रेस हो रहे हो। ठीक है, आप जिनसे भी डील कर रहे हो, दे आर टेकिंग यू सो रॉन्ग बिकॉज आप उस तरह से एक्सप्रेस हो रहे हो। यू आर कमिंग ऑफ एज समवन जो बहुत ज़्यादा, मैं एग्जांपल देके बता दूँ, आप, मुझे नहीं लग रहा आपको समझ में आ रहा है। ओके, सोचिए कि आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, ठीक है, या फिर चलो इंटरव्यू छोड़ो, आप किसी फर्स्ट डेट पे जा रहे हो, फर्स्ट डेट पे आप जा रहे हो, बड़ी शाबी से बन के जा रहे हो, आपके नाखून कटे नहीं है, आपके बाल ठीक से पुट ठीक से आपने बनाए नहीं है, कपड़े आपने बहुत ही गंदे से पहने हैं, आपके मे बी यू स्मेलिंग बैड, या फिर आप अपने पार्टनर को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, या छोटी छोटी चीज़ों में यू आर नॉट, आप अपनी हर बुरी साइड उनके, या फर्स्ट ही मीटिंग में जाके आप उनको बता रहे हो कि यार मैं तो पागल हूँ, मुझे तो वो चीज़ें समझ ही नहीं आती है, आई एम नॉट सो गुड एट कीपिंग माई थिंग्स प्रॉपरली, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता मैं, या मैं मेंटली अनस्टेबल हूँ, या मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, वट एवर। सो यू आर प्रेजेंट, अगर आप ऐसे प्रेजेंट करोगे किसी के सामने पहली ही मीटिंग में, तो कैसे एक्सप्रेशन आपका जो एक सॉरी इम्प्रेशन आपका जो है वो कैसे गिरेगा सामने वाले पे? ऑब्वियसली यार, बहुत ही ख़राब, कोई नहीं चाहेगा ऐसे पर्सन को डेट करना। सो इसीलिए आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि आप अपना जो इम्प्रेशन सामने वाले पे डाल रहे हो, दैट इज़ गोइंग द रॉन्ग वे, यू आर डूइंग सम थिंग्स
आप या तो बहुत कंफ्यूज्ड हो या तो आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो इन योर एक्शंस, यू आर शोइंग सम थिंग्स के जैसे यू नो कि मैं ठीक नहीं हूँ या यू नो आई डोंट नो व्हाट दिस इज़ अबाउट, दिस इज़ अ वेरी डीप मैसेज, बट आपको थोड़ा सा अपना नज़रिया और अपना तरीका बदलना है इफ़ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल. ठीक है, ग्रेट पावर की एनर्जी क्यों है, ग्रेट पावर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, डिवाइन हमें प्लीज़ बताइए ग्रेट पावर यहाँ पे क्यों है. सेम एनर्जी निकल के आ रही है गाइज, आई एम नॉट इवन किडिंग. एट ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे द सी, आपको अगर आप चाहते हो कि मैं टॉप पे पहुँचूँ या मैं मेरा जो पार्टनर है वो मुझे छोड़ के किसी और के बारे में ना सोचे, तो आपको वैसा प्रेजेंट करना पड़ेगा. यू नो वो आपने सुना है फेक इट टिल यू मेक इट. अगर आपके पास पैसा नहीं है या आपके पास जॉब नहीं है या आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो या आपको ऐसा लगता है जैसे यू नो मैं उसके लिए मैं यू नो आई एम नॉट गुड इनफ, शी डिज़र्व्स मच बेटर देन मी, समथिंग लाइक दैट. अगर आपके मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं तो फेक करो ना भाई, उनको ऐसा मत दिखाओ कि आप कम हो. या ओवरऑल ही लाइफ के बारे में बता रही हूँ, जो आप बनना चाह रहे हो उसको फील करो, ऑलरेडी उसको फील करो कि यू नो मेरे अंदर है कॉन्फिडेंस, मैं फेस कर सकता हूँ, मैं ये बन सकता हूँ. जब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, आप वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाओगे. सेम गोज़ विद योर करियर ऑल्सो, कि अगर आपको लगता है कि मुझे ये स्पेसिफिक जॉब मिलना चाहिए, मुझे इतने पैसे कमाने हैं, स्टार्ट वर्किंग हार्ड फॉर इट और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और अपना ऑरा, अपना जो एक वॉट एवर यू वेयर, द कॉन्फिडेंस दैट यू वेयर, उससे भी झलकना चाहिए कि भाई मैं डिज़र्व करता हूँ वो जॉब. आप अगर यहाँ पे छिछोरेपंती कर रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, यू नो दोस्ती में टाइम पास कर रहे हो, एनीथिंग दैट यू आर डूइंग, यू नो स्टॉप इट एंड बिकम मोर एंड मोर, यू नो बी लाइक समवन जो आप बनना चाहते हो. ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यू आर डूइंग समथिंग अपोजिट ऑफ व्हाट यू वांट टू बी. ठीक है, ड्यूरेशन क्या है यहाँ पे, व्हाट इज़ दिस ड्यूरेशन ऑल अबाउट. ओके, सेवन ऑफ कप्स और यहाँ पे फोर ऑफ स्वॉर्ड्स है. मुझे लगता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो लाइक स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप, मुझे ये चीज़ लग रही है यू आर कन्फ्यूज. या तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आपके मन में जिस भी कनेक्शन में आप हो अभी भी उसको लेकर आपके मन में कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है मुझे 100% देने का, जो एक होता है ना कंसिस्टेंट रहने का, या उसमें अपना 100% देने की जो एक कॉन्फिडेंस होती है किसी भी बंदे में, वो मुझे लैकिंग लग रही है यहाँ पे. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स आप बहुत स्ट्रगल करते हो, बहुत कंफ्यूज्ड होते हो, और आप मेजर टाइम विक्टिम एनर्जी में होते हो कि मुझे प्यार ही नहीं मिलता, मैं प्यार डिज़र्व ही नहीं करता, मैं रिश्ते, मैं कमिटेड रिलेशनशिप डिज़र्व ही नहीं करता. नो यू डोंट, यू डिज़र्व मैन. क्यों आप खुद से ऐसी बातें कर रहे हो? या तो अपनी लाइफ में आपने बहुत घिचमिड़ मचा दी है, बहुत सारे लोग हैं एंड यू डोंट नो मुझे किसको कमिटमेंट देनी है, उसका असर आप पे पड़ रहा है, या फिर जिस कनेक्शन में आप हो वो इतना ज़्यादा आपने कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि यू नो बाहर जाने का रास्ता ही आपको नहीं मिल रहा है, उससे कैसे चीज़ों को समेटा जाए, कैसे ठीक किया जाए. बहुत होता है ना रायता फैला देना, आपने अपने रिश्ते में रायता फैला दिया है, और मुझे लगता है इट स्टेम्स फ्रॉम योर कॉन्फिडेंस. द समथिंग अबाउट योर कॉन्फिडेंस, कुछ इनसिक्योरिटीज़ है जो आपको 100% देने नहीं दे रही है इन योर कनेक्शन. ठीक है, अगर आप किसी के साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहते हो, स्पेंड मोर टाइम विद देम, टॉक टू देम. आपका ये मैंने बोला ना शुरुआत में, आपका प्रॉब्लम है आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो. आप कुड़ते बैठोगे, चिढ़ते बैठोगे, अकेले में रोते बैठोगे, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करोगे. यू आर डूइंग दैट, यू आर, देखिए आपके लाइफ में अगर बहुत सी प्रॉब्लम्स है ना, तो एक एक प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करो, सारे प्रॉब्लम्स को लेकर सॉल्व मत करो. अगर आपका वार्डरोब ख़राब हो जाता है, बहुत उसमें मैस हो जाता है, तो आप क्या एक साथ सारे कपड़े नीचे निकाल लेते हो एंड फिर अगर उससे आप उसको आप तय लगाने लगते हो, तो बहुत टाइम लगेगा एंड इट विल बी वेरी यू नो इमोशनली भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मेंटली कि यार मैंने इतने कपड़े क्यों निकाले, अब मुझे इतना सब भरना पड़ेगा. तो थोड़ा थोड़ा करो, वन स्टेप एट अ टाइम. ठीक है, और जहाँ पे डेवलपमेंट का कार्ड क्यों है, क्यों है ये डेवलपमेंट का कार्ड यहाँ पे. सी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अगेन ये चीज़ में आपके करियर भी हो सक, करियर की बात भी हो सकती है, आपके रिश्ते की बात भी हो सकती है. आपको हर चीज़ को वक्त देना पड़ता है, चाहे आपका काम हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपके रिश्ते हो, चाहे आपकी हेल्थ हो. आपको बहुत हिम्मत के साथ एक एक दिन खुद को कॉन्फिडेंस देके, खुद को मोटिवेट करके आगे बढ़ना पड़ता है.
ओके टू अचीव समथिंग, ठीक है। अगर आप सोचो कि मुझे आज के आज ही सारी चीज़ें मिल जाए और आप उसके लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, तो इट वॉन्ट हैपन। तो अगर आपके रिश्ते में आपको ऐसा लग रहा है कि बात आगे नहीं बढ़ रही है, इट इज़ बिकॉज आप उतना कॉन्फिडेंस के साथ, उतनी हिम्मत देकर अपने आप को उस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहे हो। सो स्टार्ट गिविंग कॉन्फिडेंस टू योर सेल्फ कि हाँ भाई, ये धीरे धीरे एक प्रोसेस है, ये रिश्ता ये एकदम से ठीक नहीं होगा या एकदम से चीज़ें नहीं बदलेंगी, ठीक है। वॉट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ वल्नरेबिलिटी हियर फॉर? यस, देखिए आपके अंदर, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत ट्रस्टवर्दी हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो इनसाइड एंड आउट, आपके अंदर सारी पोटेंशियल है, लेकिन बिकॉज आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाने की, सामने वाला इंसान आपको समझ ही नहीं पा रहा है। विथ हुम सो एवर यू आर इन अ रिलेशनशिप, आप ओपन अप नहीं हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे पास ये जॉब नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन उसके वजह से क्या हो रहा है ना कि आप अपना 100% किसी भी चीज़ में दे नहीं पा रहे हो, ठीक है। सो ओपन अप होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वल्नरेबल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट समवन टू गेट डीप विद इन योर हार्ट, तो अपना हार्ट का दरवाज़ा आपको खोलना ही पड़ेगा। ओके, एम्प्टीड क्यों है यहाँ पे? मुझे ऐसा लगता है कि आप ना बस, या तो आप में से कुछ लोग बहुत ऐसे कर रहे हैं कि एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में भाग रहे हो, एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में भाग रहे हो, बस भाग ही रहे हो। यहाँ पे कहीं पे भी स्थिरता कहाँ है? आप रुक कहाँ रहे हो वो ज़रूरी है, भाग कितना रहे हो वो ज़रूरी नहीं है। सो इन योर रिलेशनशिप, अगर आपको हमेशा अकेलापन महसूस होता है या आपको लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मुझे प्यार ही नहीं मिलता, मैं डिज़र्व ही नहीं करता, तो इट इज़ बिकॉज यू आर ऑलवेज रनिंग, यू आर ऑलवेज चेजिंग समथिंग और द अदर। आप रुको ना थोड़ा, जो है आपके लाइफ में उसको तो देखो पहले। ओके, व्हाट इज दिस इंटेंशन? एट ऑफ स्वर्ड्स, देखिए मुझे ऐसा लगता है फिर से ये एनर्जी निकल के आ रही है कि बिकॉज आपके इंटेंशंस क्लियर नहीं है, आपके इंटेंशंस सही नहीं है, इसी वजह से आपको, या तो आप जिनके साथ हो आपको ऐसा लग रहा है कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ऐसा लग रहा है आपको कि इसके इंटेंशंस क्या है, ये लड़की या ये लड़का मुझसे चाहता क्या है, व्हाई इज शी विथ मी, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, ये तो बहुत अच्छी है, ये तो बहुत अच्छा है, फिर इसको मैं ही क्यों पसंद हूँ, क्या इसके मन में कोई प्लान है? तो आप बहुत स्केप्टिकल हो रहे हो, या तो सामने वाले को लेकर, या तो आप खुद पे ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, खुद के इंटेंशंस आपके क्लियर नहीं है, कंफ्यूज्ड हो, तो आप लाइफ को जैसा आ रहा है वैसा जी नहीं पा रहे हो, रिश्ता जैसा मिल रहा है आपको उसको निभा नहीं पा रहे हो, एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। अकाउंटेबिलिटी कौन क्यों है यहाँ पे? सिक्स ऑफ पेंटिकल, सी जो आप बोगे वही आप पाओगे, रिश्ते में जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। तो अगर आप टाइम नहीं दे रहे हो तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, अगर आप प्यार नहीं दे रहे हो तो आपको प्यार नहीं मिलेगा, अगर आप सामने वाले को दिल से अपना नहीं मान रहे हो तो आपको भी वो अपना नहीं मानेगा। सो एक्सेप्टेंस इस मंथ में बहुत ज़रूरी है, एक्सेप्ट करो। सॉरी, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स नहीं है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स है। सो यू विल ओनली गेट वॉट यू डिज़र्व, ये आपको जानना है, ठीक है। सेम एनर्जी है यहाँ पे भी। व्हाई इज़ दिस? यू विल फाइंड न्यू लव हियर, ये किसके लिए है डिवाइन हमें बताए। देखिए अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में चल रहा है जिससे आप परेशान हो गए हो, जहाँ से आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है, काफ़ी टाइम से आप परेशान हो, एंड यू आर डिसाइडिंग टू लीव दैट कनेक्शन, तो आपके लाइफ में डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपके साथ लॉन्ग टर्म रहेगा, जो आपको कमिटमेंट देगा, जो आपके साथ स्टेबल रहेगा। ओके, और ये कोई नया पर्सन है, ठीक है। यू नीड टू टेक आउट सम टाइम फॉर सेल्फ केयर। यस, आप ना बहुत अपने आप को स्ट्रेस कर रहे हो, आप ओवरथिंक कर रहे हो, अपने आप को डाउट कर रहे हो, आप खुद को खुश ही नहीं। आप मुझे बताओ सच्ची मायनों में आप कब खुश थे लास्ट टाइम? बिकॉज आप सिर्फ उन बातों का सोच रहे हो जो लॉस हुआ है, जो गवा दिया, खो दिया, जो चला गया, एंड उसके वजह से आप खुद को डाउट में डाल रहे हो, खुद को परेशान कर रहे हो। व्हाई आप इतना अपने ऊपर क्यों बर्डन ले रहे हो, इतना क्यों सोच रहे हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? देख रहे हो, लुक ऑन दिस पर्सन्स फेस, ही सो डैम फक्ड अप है उसका दिमाग, ठीक है। गॉड हैज़ नोटिस्ड यू एंड ही इज़ विथ यू, इसके बारे में और बताइए। येस, देखिए आप अपनी लाइफ में एक एम्परर या एम्प्रेस की पोजिशन डिजर्व करते हो, एंड भगवान ने आपको देख लिया है, वो आपके सारे मुश्किलें हल करेंगे और आपको टॉप तक पहुँचाएंगे। यू नीड टू एक्सरसाइज एंड हेल्प कीप योर वेट एंड चेक, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? यस, आप सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो, सिर्फ करियर के पीछे मत भागो, सिर्फ रिश्तों के पीछे मत भागो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि वेट इश्यूज हो सकते हैं कम या ज़्यादा, आई डोंट नो व्हाट,
ठीक है. आई विश, सॉरी, यू विल फाइंड सक्सेस इन लाइफ एंड अकम्प्लिश योर ड्रीम. देखिए, आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपका जस्टिस है वो, ठीक है. आपको सक्सेस मिलेगी, सही टाइम पे मिलेगी. हर एक का टाइम एक टाइम पे नहीं आता है, सब किसी का टाइम जल्दी आ जाता है, किसी का टाइम लेट आता है. तो ये जून मंथ आपको जस्टिस मिलेगा, आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे. तो टेंशन मत लो, जस्ट कर्मा करता रहो, करते रहो, काम करते रहो, टेंशन मत लो. यू नीड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. सी, आप अकेले अकेले रह रहे हो किसी से, अगर कोई आपको प्यार देना भी चाह रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, अपने आप को आइसोलेट कर रहे हो, तो हाउ विल यू गेट लव? ओके, तो इफ़ यू वॉन्ट लव, एक्सप्रेस करो, चुप चुप मत बैठो. यू आर ऑन द राइट पाथ. येस, फॉलो योर इंट्यूशन. आप सही राह पे जा रहे हो, ठीक है. आपके मन में अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा था कि क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, तो यू आर डूइंग इट राइट, ठीक है. यू नीड टू फोकस ऑन योर करियर राइट नाउ. इसके बारे में और बताइए. करियर पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल भी है, आपका वो वक्त भी आ गया है जहाँ पे आपको करियर पे ध्यान देना चाहिए, ताकि आपको वैसे रिटर्न्स मिले. इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अपार्ट फ्रॉम द रिलेशनशिप, इज़ योर करियर. रिलेशनशिप को आप देखिए, अगर आप रिलेशनशिप को इग्नोर कर दोगे और सिर्फ करियर के पीछे भागोगे तो भी आप लॉस में हो, और अगर आप सिर्फ रिश्ते के पीछे भाग रहे हो और करियर को अवॉइड कर रहे हो तो वही आपका लॉस है. दोनों चीज़ें बैलेंस आपको करने आनी चाहिए, ठीक है. यहाँ पे इमोशंस आर रनिंग हाई, ये क्यों आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स. देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में सेटल होना चाहते हो, आप पैसे कमाना चाहते हो, आप अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, और वो उसके वजह से आप इमोशनल हो रहे हो, ठीक है. बहुत ज़्यादा यू आर अप एंड डाउन हो जाते हैं, आप बहुत मूडी फील कर सकते हो जून मंथ में. लेकिन आपको हमेशा, जब भी आपको ऐसा फील हो, ये याद दिलाओ कि इट विल टेक टाइम, मुझे कंटिन्यूसली एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, मैं पहुँचूँगा इस टेन ऑफ पेंटिकल्स तक, मैं पहुँचूँगा, बस मुझे इमोशनली लॉस फील नहीं करना है. कम्युनिकेशन इज़ द की, ये क्यों है यहाँ पे? टेन ऑफ कप्स. देखिए, देयर इज़ अ कनेक्शन इन योर लाइफ जो बहुत ब्यूटीफुल है, जो आपको कंप्लीट फील कराता है, जो लॉन्ग टर्म आपके साथ रहेगा. देयर समवन इन योर लाइफ जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी जेन्युइन कनेक्शन. बस यहाँ पे कम्युनिकेशन की इशू है, या तो आप दोनों बात नहीं करते हो, या तो बात करते हो तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है. द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस. देखिए, आपके लाइफ में अगर आपको ऐसा लग रहा था कि सारी जगहों से मुझे बस रिजेक्शन मिल रही है, चाहे वो रिश्ते हो या करियर हो या एनीथिंग, तो वो एंड होने वाला है इस मंथ में. वो एक टफ साइकिल जो चल रही थी आपके लाइफ में, ऑब्स्टैकल्स थे, वो ख़त्म हो रहे हैं. अ टाइम टू गिव रादर देन टेक. यस, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके रिश्ते आपसे दूर जा रहे हैं, अगर लोग आपसे दूर जा रहे हैं, तो आप अपने आप से पूछो कि क्या आप सिर्फ सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो, क्या आप उनके लिए सामने से कुछ कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट डूइंग इट, तभी आपको यहाँ पे शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा. इट्स टाइम टू टेक एक्शन, प्लीज़ उसको क्लैरिफाई करें. आपके करियर के लिए, आप पैसे कमाने के लिए, अब आपको एक्शन मोड पे जाना चाहिए इस मंथ में, ठीक है. इट्स टाइम टू टेक एक्शन, सिर्फ सोचो मत. और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट क्यू है. किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे विथ द मून. देखिए, यहाँ पे आपको इमोशनली अगर स्टेबल होना है, मुझे पता है आप यहाँ पे इमोशनली स्टेबल नहीं हो इस मंथ में, तो अगर आपको इमोशनली स्टेबल रहना है तो मेडिटेट करो. आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, आपके लिए चक्रा बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, अपने अंदर झांकना ज़रूरी है कि मेरे में क्या गलतियाँ हैं, मेरे में क्या बुराइयाँ हैं, क्या आप बहुत चिढ़ते हो, क्या आप ओवरली इमोशनल हो, क्या आप ओवरली सेंसिटिव हो, क्या आप ओवरली गिविंग हो, या आप क्या आप अपने रिश्ते अच्छे से निभा रहे हो, क्या आप अपना पार्ट अच्छे से कर रहे हो. कॉन्टम्पलेट, ठीक है. सो दैट वॉज इट फॉर ग्रुप नंबर टू. कैसी लगी ये रीडिंग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. आई होप, आई विश कि आपका जून मंथ बहुत ही अबंडेंस भरा, बहुत ही प्यार भरा और बहुत ही बैलेंस्ड जाए. मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा. स्टे ब्लेस्ड.